अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो काफ़ी मज़ेदार क्लास है, वो है पपी ट्रैप की क्लास। कहा जाता है कि जो है वीडियो एडिटिंग पे भी हम लोग जो है जो आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं और जो प्रीमियर यूज़ करते हैं उनको पता है पपी ट्रैप का ऑलरेडी। बाकी जो न्यू यूज़र्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि आप जो है फोटोशॉप पे पपी ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको आज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। पपी सेम टू सेम उसी तरह होता है कि आप हाथ के ज़रिए जो धागा लगा के आप किसी चीज़ को अपने हाथ की मूवमेंट के थ्रू उसको रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह इमेजेस में भी हम लोग जो है किसी भी हाथ को मूवमेंट करने के लिए या किसी भी चीज़ को सर को मूवमेंट करने के लिए एक फिक्स्ड इमेज में भी आप उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं वो इस क्लास में आपको समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पपी ट्रैप की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पपी ट्रैप किस लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इमेज ले ली है और इसमें से जो इसका बर्ड वाला सेक्शन है उसको मैंने अलग से कर दिया है सिलेक्शन करके, और दूसरे जो हमारे पास सेक्शन था बैकग्राउंड वाला उसको मैंने अलग से कर दिया कंटेंट अवेयर के थ्रू। पपी अवेयर हमारे पास किसी का प्यारा होता है, वो जस्ट आप जाएंगे एडिट वाले मेन्यू पर जाएंगे और इधर पपी ट्रैप की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। अब जस्ट इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे एक, तो आपके पास ये मेन्यू बार खुल जाएगा कि आप जो है कि किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं क्या सब कुछ। जैसा कि आप इस आइकॉन को देख सकते हैं कि इसमें एक पिन बनी हुई है। पिन मतलब जो वीडियो एडिटिंग भी जानते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स पे वीडियो एडिटिंग जानते हैं, वो जानते हैं कि पपी ट्रैप उधर भी किस लिए यूज़ होता है। वो जस्ट मूवमेंट के लिए, अगर कोई फिक्स चीज़ है उसको आप इजीली उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये सेम टू सेम इस तरह काम करेगा जैसा कि हमारी बूंस काम करती हैं। अगर हम लोगों के इधर भी बूंद लगी हुई है, हम लोग फेस आपका मूवमेंट कर सकता है, हाथ में भी बूंद लगी हुई है, उंगलियों में भी बूंद लगी हुई है, तो आप इजीली किसी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। और इसमें ये बेस्ट चीज़ ये है कि फ़ोटोशॉप में ये जैसे जिसमें सिर्फ इमेजेस आप आपके पास होती हैं, आपके पास कोई 3D फॉर्म नहीं होती या कोई वीडियो फॉर्म नहीं होती, तो आप इजीली किसी चीज़ को वो रोटेट कर सकते हैं या कोई मूवमेंट करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, पपेट के थ्रू। ये ओवरऑल हमारे पास आ गया है, मैं जस्ट इस पे हमारा जो मास्क है शो मास्क इसको मैं अनक्लिक कर दूंगा ताकि हमारे पास ऑप्शन आ जाए कि कैसे ये चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं। मैं जस्ट इस पे एक क्लिक करूंगा, इधर एक लगा दूंगा, इधर एक लगा दूंगा, इधर एक लगा दूंगा, इधर एक लगा दूंगा और एक इस जगह पे लगा दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि यार इस जगह पे मैंने इसको रोटेट करना है, मैं जस्ट इस पे जाऊंगा, या मैंने इस जगह पे मूवमेंट करना है, इस जगह पे मूवमेंट करना है, मैं जस्ट इस जगह पे जाऊंगा और लेफ्ट क्लिक करके इसको आराम से मैं मूवमेंट कर सकूंगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने नीचे मूवमेंट कर दिया है। कंट्रोल जी मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं पहले क्या पोजिशन थी और अब इसने क्या पोजिशन बनाई है। ये जस्ट पपी ट्रैप का कमाल है कि आपको ने उसमें पॉइंट्स फिक्स कर दिए हैं कि उसका फेस किस तरह मूव करे। तो अगर आप चाहेंगे इसके पाँव को मूव करना तो आप इसका पाँव भी ये देखें, ये आप इसका वो पाँव मूवमेंट कर सकते हैं, और अगर दूसरा पाँव आप चाहेंगे आप इसका दूसरा पाँव भी आराम से इसको मूव करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं, अगर हम चाहें तो हम इसको रीडू भी कर सकते हैं। बैक पे करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से न्यू बन के आ जाएगी, और जस्ट आपने अपनी मर्जी से पॉइंट्स लगाने हैं। जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको आराम से मूवमेंट कर सकूंगा। मैं चाहता हूं कि इसके पांव इधर ही रहें, मैं जस्ट इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो 3 पॉइंट्स हमारे सामने आ गए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इस जगह पे ये रोटेट करे, मैं आल्ट प्रेस करूंगा और इस पे सेलेक्ट करूंगा और आल्ट प्रेस करूंगा, ये हमारे सामने ओवरऑल राउंड आ जाएगा कि इसको आप रोटेट कर सकते हैं। ये मैं रोटेट कर रहा हूं इसकी नेक को, ये आप देख सकते हैं इसकी नेक रोटेट हो रही है। और सिंपल से फंक्शन है कि पपेट किस तरह इसको यूटिलाइज कर रहा है। तो ये चीज़ बर्ड में भी आप कर सकते हैं, आप ह्यूमन इमेजेस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक और इमेज ले ली है, सेकेंड जो एग्जाम्पल है हम लोगों की आप इजिली मूवमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक इमेज ले लिया, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी गर्दन इस तरह थोड़ी सी मैं मूवमेंट कर सकूँ। तो मैं जस्ट अपने इसको ओवरऑल सिलेक्शन करके इसका ग्राउंड से अलग कर लूँगा। वो कैसे मैं करूँगा, मैं जस्ट जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूवल की क्लासेज में समझाया था कि इसको कैसे आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसी तरह सेम टू सेम मैं जल्दी से इसको जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ, और इसको मैं लिटल सा इधर से इस तरह कर देता हूँ और इधर से इसको इस तरह कर देता हूँ। तो ये मैं हमने ओवरऑल सिलेक्शन कर ली है और कंट्रोल जे करके मैं इसको ऊपर ले आऊँगा और बैकग्राउंड से अलग कर लूँगा। जो बैकग्राउंड हमारे पास आ रहा होगा वो तो जो है
कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन आपने बैकग्राउंड लेयर पे ही रहना है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। डबल क्लिक करके ओके करूंगा मैं इसको, बैकग्राउंड से रिमूव करूंगा और बैकग्राउंड में और इसी लेयर पे जस्ट मैं जाके सिलेक्शन पे जाऊंगा और उसके बाद मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा और हमारे पास आ रही होगी ऑप्शन एक्सपेंड की। एक्सपेंड क्या करेगा, एक्सपेंड जितनी आपने ये सिलेक्शन की हुई है क्लोजली ये थोड़ा सा और आगे से उसको वे दे देगा। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि 10 और हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जूम करके मैं आपको दिखा सकूँ तो कि इसने 10 और थोड़ा सा आगे करके कर दिया है। और मैं इसको शिफ्ट बैक स्पेस, जैसा कि मैंने आपको कंटेंट अवेयर की क्लास में समझाया था, शिफ्ट बैक स्पेस दबा के आप कंटेंट अवेयर कर सकते हैं। जस्ट मैं इसको मैं ओके करूँगा तो ये बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी मर्जी से मर्जिंग कर देगा और हमारे पास ये चीज़ अलग से आ जाएगी। वो कैसे आएगी आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल हो गया है, ये इसने अलग से इस बच्चे को निकाल दिया। तो कंट्रोल डी मैं करूँगा फॉर डिसलेक्शन, जस्ट मैं ऊपर वाली लेयर पे आ जाऊँगा क्योंकि मैंने ऊपर वाली लेयर पे काम करना है। तो इस लेयर पे आके मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसकी गर्दन इस तरह मूवमेंट करूँ थोड़ी सी, अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं एडिट पे दोबारा जाऊंगा और पपी ट्रैप पे जाऊंगा। पपी ट्रैप पे जाने से क्या होगा, ये हमारे पास फिर दोबारा से ये रैप वाली ऑप्शन ओपन कर देगा। जैसा कि मैं जस्ट इस पे क्लिक कर लूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जगह भी इसी तरह रहे, ये जगह भी इस तरह ही रहे, ये जगह भी बैठा रहे बच्चा इस पे, इधर बैठा रहे, इधर बैठा रहे। तो मैं ओवरऑल इसको एक स्पेस बना देता हूँ। तो मैं जस्ट इस पे आके क्लिक करूंगा और इसको आल्ट प्रेस करके इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं बच्चे का फेस रोटेट हो रहा है ऐसे जैसे कि वो सो रहा है। तो अगर आप मैं कंट्रोल जी करूंगा तो ये हमारे पास फिर दोबारा से ऑप्शन आ जाएगी पुराने वाली, और ये आप देख सकते हैं कि आप इजिली इसको रोटेट कर सक रहे हैं और सब कुछ कर सक रहे हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस वाली बात नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को इजिली रोटेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को किसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये मैंने जो पपेट लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला पपेट मैंने लगाया हुआ है, इसको ये गलत लगाया मेरे से, तो आप जस्ट उसको राइट क्लिक करके इधर डिलीट पिन की आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। डिलीट पिन के अलावा आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रही होती है कि इसको सेंड टू बैकवर्ड, मीन्स के अगर कोई चीज़ फॉरवर्ड है उसको बैकवर्ड भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड, मीन्स के कोई चीज़ पाऊँ मीन्स के आगे है उसको पीछे करने के लिए आप ब्रिंग इन टू फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे करने के लिए, और शो मैश वगैरह सब ऑप्शन आपके पास आ रही होगी। जस्ट आपने राइट क्लिक करना है और आपके पास ये सब ऑप्शन आ रही होंगी। उसके अलावा आल्ट प्रेस करके आपके पास ये ऑप्शन आ रही होती है कि आप इसको सेंटर में जाके जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा ये वाली पिन को। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बाकी ये तो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि पपी ट्रैप किस तरह यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो ऊपर ऑप्शंस आ रही होती हैं ये किस लिए यूटिलाइज होती हैं ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि नॉर्मल का मतलब ये होगा कि नॉर्मल जो आम इंसान होता है वो उसी हिसाब से इसको करेगा, लेकिन डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होगा। डिस्टॉर्ट ये आप देख सकते हैं कि अनयूजुअल सी चीज़ डिस्टॉर्ट करके आपको देगा। मैं इसको जस्ट ओवरऑल सिलेक्ट करके इसको ऑल प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये हमारे पास दोबारा से वो ऑप्शन दोबारा वापस आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास रिजिड की ऑप्शन आ रही है, रिजिड क्या करेगा, इसको रिजिड कर देगा। रिजिड मींस जो नॉर्मल चीज़ नज़र आ रही होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिजिड, तो रिजिड ये चीज़ होगी। तो डेंसिटी आ जाता है, डेंसिटी में वो हमारे पास फ्यूवर पॉइंट्स आ रहे होते हैं, मीन्स के मतलब ये है कि इसको मैं शो मैश कर लेता हूँ ताकि आपके पास नज़र आए कि आपके पास मैश क्या बनी हुई है। जब इसको नॉर्मल में करूँगा, नॉर्मल का मतलब ये है कि थोड़ी सी मैशेस करो और एक नॉर्मल जो रूटीन होती है। मैं आपको 3D Max सिखाऊंगा, 3D Max में जब मैं फेस टेक्सचर्स फेस बनाना सिखाऊंगा, बॉडी बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे उसमें ये मैशेस बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग 3D में डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मैशेस होती हैं, सेम टू सेम ये मैशेस उसी तरह ही हमारे सामने नज़र आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा मैशेज आएँ तो आप जस्ट मोर मैशेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मोर मैशेज हो जाएंगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि हमारे पास कम मैसेज आए तो आप उस हिसाब से भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने मोर मैसेज पे क्लिक किया तो हमारे पास ज़्यादा सी मैसेज उसने दे दी। तो अगर आप फ्यूवर मैसेज करेंगे, फ्यूवर मींस के बहुत ज़्यादा कम मैसेज हमें दे दो, ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से भी कम मैसेज
इस पे ही यूटिलाइज हो रही हैं। तो ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगा कि आपने नॉर्मल पे काम करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बाकी सब चीज़ें भी आपको करके दिखाई कि ये जो है ना किस तरह हो सकता है। तो भी आपने कोशिश करना है कि आपको नॉर्मल पे इसको रखें। लेकिन इसका क्या मतलब होगा, एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन मतलब कि मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अजीब सा लग रहा है। जब मैं इसको कम करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर को भी क्रॉप कर रहा है, मैसेज आपस में जुड़ गई हैं और जो है ना इसको क्रॉप कर रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि आपने इसको नॉर्मल पे ही रहने देना है। जितना आपके पास आएगा, जितना जब आप इमेज लेके आएंगे और उसको एक्सपेंशन पे करेंगे, उसी हिसाब से आपने इसको करना है। तो दोबारा मैं इस पे आता हूँ और प्रॉफिट ट्रैप पे मैं आपको समझाता हूँ। इधर से भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आप जो है किसी पिन को ऊपर करना चाह रहे हैं, किसी पिन को नीचे करना चाह रहे हैं। ये जस्ट आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आप इसको फॉरवर्ड कर लें, ये बैकवर्ड कर दें। तो ये ऑटो रोटेट की भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, ये ऊपर ही आ रही होती है ऑटो रोटेट की, और फिक्स्ड की। फिक्स्ड मीन्स कि वो फिक्स हो जाएगा कि यार इतना ही रोटेट हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया, जस्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप जिस तरह चाहेंगे उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ये सिंपल सी क्लास के आपने जो है ना मज़ेदार सी चीज़ थी कि आपने किस तरह किसी चीज़ को पपी ट्रैप के थ्रू उसको मज़ेदार बनाना है, उसमें कोई भी चीज़ एडिशन करनी है या कुछ फनी सा आपने बनाने के लिए। कोई क्लाइंट आपको कहता है यार कोई फनी सा मीन्स के ये मेरी पिक्चर है, इसको फनी सा थोड़ा सा कर दो या कुछ भी कर दो, तो उसके लिए आप इसको पपी ट्रैप को ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट आपने उस चीज़ों को सिलेक्ट करना है और आपने उसको रोटेशन करना चाहें तो वो रोटेशन आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा क्लास को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्लास थी। क्योंकि पपी ट्रैप बहुत कम लोगों को पता है कि पपी ट्रैप की भी ऑप्शन वीडियो में आफ्टर इफेक्ट्स में हमारे पास है, तो इधर फोटोशॉप में है कि नहीं, तो बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे आके मेरी प्लेलिस्ट में तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं, एडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग कोर्स स्टार्ट में करने वाला हूँ 3-4 दिनों में इंशाल्लाह, फाइबर पे आपने कैसे काम करना है, उसके अलावा प्रीमियर पे भी आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे काम करना है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है क्लास तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकॉन पे मस्ट क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।